अच्छा, इसमें कुछ इस तरीके से है कि हमारे डिफरेंट सेशंस के लोग हैं, तो अपने अपने जहां जहां पे आप लोग अभी हो, आप अपने कोर्स के मतलब अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया जी एक्टिविटी डिटेल्स के अंदर, हमें कुछ ऑप्शंस कुछ लोगों को नजर आते हैं, कुछ लोगों को नजर नहीं आते। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग। प्राइमवेरा P6 के अंदर कहीं पे भी आप अटक गए हैं, यू आर स्टक एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू हैव टू मेक सम क्लिक्स। मतलब लेट्स से कि यहाँ पे मुझे चीज समझ नहीं आ रही, टूल्स नहीं है, राइट क्लिक करें तो ये एक विंडो है जो आपको बताएगी कि कौन सा टूल नजर आना चाहिए। लेट्स से आई विल जस्ट अनचेक दिस ऑप्शन एंड यू विल सी समथिंग हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम दिस एरिया। अगेन आई विल राइट क्लिक एंड यू कैन सी प्रिंट ऑप्शंस। मैंने यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया है, सिंपली एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से बार चार्ट एरिया में भी राइट क्लिक करेंगे, यू विल गेट सम ऑप्शंस। बिल्कुल इसी तरीके से कोई एक्टिविटी यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्टिविटी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे पास कुछ चीजें आती हैं और कुछ नहीं आती, तो यहाँ पे अगेन मैंने जैसे बताया जुगाड़ सिस्टम या ट्रबल शूटिंग, राइट क्लिक करें तो ये आपके पास कस्टमाइज एक्टिविटी डिटेल्स का मतलब ये है कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस विंडो को डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इफ आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन You will get this window। अब यहाँ पे हो सकता है जैसे मेरा यहाँ पे रिस्क नजर नहीं आ रहा, अभी कहीं पे भी क्यों नजर नहीं आ रहा? I have that option on the left side। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके जाऊंगा, apply, okay, now I have risk over here। अगर इसकी सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूँ, I will move up, मुझे शुरू में चाहिए, you can find risk here। So that is the way you can optimize your window। ठीक है, प्रीडिसेसर सक्सेसर अलग-अलग से भी आप शो करवा सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर भी इन दोनों की ऑप्शन मौजूद है। आई प्रेफर टू यूज रिलेशनशिप्स विंडो, व्हाई? बिकॉज इट विल हेल्प मी टू मेक विजुअल नेटवर्किंग के इस एक्टिविटी के पहले कौन सी है, इस एक्टिविटी के बाद वाली कौन सी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सर जी सॉरी टू से, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं, जो नीचे कॉर्नर में है असाइन, यानी हम एक्टिविटी को फिर असाइन करते हैं, ये जो असाइन वाला ऑप्शन है ये मेरे साथ नहीं आ रहा, ये अंडू है। उससे भी आसान है मेरा। अभी देखें देखें देखें, सुन ले, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा असाइन आ रहा है अभी, मेरा असाइन आपको नजर आ रहा है? नो सर, अभी तो मुझे नहीं आ रहा। तो आपका भी ऐसे इसको उठा के ऊपर लेके जाए ना भाई, ये देखो अब नजर आएगा। नो सर जी, मेरे साथ जो आ रहा है वो हिडन आ रहा है। मतलब नजर तो आ रहा है कि ये हिडन आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है ना, WBS के ऊपर ये हिडन हो जाता है, आप लिंक नहीं कर सकते WBS को। आप एक्टिविटी करोगे तो आपका ये तीसरा मसला भी आपका हल हो गया। यही है ना आपका मसला, आप WBS के ऊपर क्लिक करके वेट कर रहे हो यहाँ पे साइन क्यों नहीं आ रहा। But this option is only for the activities. You got my point? जी सर। ठीक है जी। Next किसी का सवाल, एक सवाल आया जी, how to do any operation or control Z करेंगे ना आप। ये question है रागिब का। रागिब same, you can few things you cannot make control Z, but most of the things जैसे activity का आपने undo करना है, add कर ली थी तो control Z करेंगे, you will find the same consequences। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। फुरकान, क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम कोई कैलेंडर या हमारी यूनिट्स है, सपोज हमने जो टाइम यूनिट्स थी और ड्यूरेशन यूनिट्स थी, मैंने टाइम यूनिट्स को डे रखा था और सेम एज इट इज ड्यूरेशन को भी डे रखा था, मैं डे में काम कर रहा था। लेट है सपोज मेरे अदर प्रोजेक्ट भी मैं हैंडल कर रहा हूँ साथ, तो उसमें मैंने आर रखे हुए हैं। अब जब मैं यूनिट चेंज करता हूँ और वो जो डे वाले थे मैं उसको खोलता हूँ तो वो काफी कुछ फ्लक्चुएट होके दूसरे को डाटा शो करने लगता है। मेरे साथ एक कोई सॉल्यूशन? इस तरह के सवालों के जवाब स्क्रीनशॉट शेयर करें। बाकी फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये देखें, सिंपल सी एक टेक्निक है, आप इसको स्विच कर सकते हैं। मेरा अभी ओरिजिनल ड्यूरेशन डेज में है। ठीक है, इफ आई विल एक मिनट एडिट के अंदर जाऊंगा, यूजर प्रेफरेंसेस के अंदर जाऊंगा, टाइम यूनिट्स में जाऊंगा तो यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम है, तो इसको मैं शो करना चाहता हूँ। ड्यूरेशन सिंपल सी चीजें हैं, मतलब क्या है, ये सिर्फ आपको 2-4 दफा आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू करेंगे। यूजर प्रेफरेंसेस के अंदर आपकी बहुत सारी, हो सकता है मुझे एक टाइम पे याद ना आता, मैं व्यू में चला जाता, बट इट्स नॉट बिग थिंग। आप एक दफा अटेम्प्ट करने से नहीं भी होता, लेकिन इधर उधर सर्च करके यहाँ तक पहुंच जाए। ठीक है, यूजर प्रेफरेंसेस के अंदर ये ऑप्शन है, तो इसको आवर्स में कर दें। क्लोज करें। नाउ माय ड्यूरेशन हैज चेंज्ड इनटू आवरली बेसिस। यू गॉट इट। वीकली बेसिस में भी कर सकते हैं। सर ये मेरा ये पूछना है कि अभी जैसे जो सपोज ये 20 आवर शो कर रहा है, आपके जो 20 आवर है, अगर ये डे हुआ था तो वो उसी से डायरेक्टली एक्चुअल कैलकुलेट करता है या फिर जो कैलेंडर के अंदर आपने, जिस कैलेंडर के अंदर आपने बताया हुआ है कि भाईजान यहाँ पे मेरा एक दिन जो है वो कितने आवर्स का है, 10 घंटे का, तो एक दिन करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा आपके डे को, इट विल मल्टीप्लाई इनटू दिस थिंग। गॉट इट। ओके ओके सर, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है, हम पूछे अपडेट करते हैं, प्रोग्रेस अपडेट कर रहे हैं। हमारे पास सपोज आपका लेक्चर कौन सा चल रहा है? मेरी एक्टिविटी मेरा सर अभी ये 7th ही लेक्चर है। अच्छा, अपडेट वाला जो है वो हमारा 12वां 13वां लेक्चर है, 12th एंड मैं सर हाँ ये अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस है, तो जस्ट मुझे पूछना था। ठीक है पूछें, लेकिन ज्यादा कुछ चीज पड़ी हो उसमें से। नहीं सर, बस नहीं उसमें नहीं, बस जैसे प्रोग्रेस हम अपडेट कर रहे हैं और मेरा जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है वो 15 डेज का होता है, तो मैं 15 डेज बाद एक्टिव वो कर रहा हूँ। 15 डेज में सपोज मेरी 5 एक्टिविटी कवर हो गई जो अपडेट करनी थी। सपोज ए एक्टिविटी, मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे आता हूँ, उसको मैं टिक मार्क किया कि ये स्टार्ट हो गई फॉर सो एंड सो डेट एंड दिस विल बी दिस हैज फिनिश्ड ऑन सो एंड सो डेट। आफ्टर सेकेंड एक्टिविटी मैं उसी तरह सब एक्टिविटी को करता हूँ, तो वो मुझे जो 5वीं एक्टिविटी है वो करने के बाद मैं सपोज लास्ट एक्टिविटी पे आया और ये फिनिश नहीं हुई है, मैंने उसका परसेंटेज मैनुअल डाल दिया कि ये परसेंटेज है क्योंकि मेरा ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट है। तो उसके बाद सर मुझे शेड्यूल करना या हर एक एक्टिविटी के बाद शेड्यूल करना है? नहीं, एक दफा ही कर दे। देखो इट्स लाइक सिंपल थिंग के कुछ चीजें इस तरीके से होती हैं। मैं तो ये समझूंगा कि आप एक एक्टिविटी को भी शेड्यूल कर सकते हैं, अनलेस अनटिल के देखें आप एक एक्टिविटी के सारे पैरामीटर्स, ये जिन लोगों के सर के ऊपर से ये चीज चल रही है, डोंट वरी। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 के बाद हमारी प्रोग्रेस अपडेटिंग का जो चलेगा उसमें समझ आएगी। बट क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। इसका तरीकाकार कुछ ऐसे है, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को, किसी भी डिलीवरेबल एक्टिविटी, तो इसमें जो चीजें हम पढ़ेंगे कि इसमें सबसे पहले आपने इस एक्टिविटी को ड्यूरेशन टाइप कंसिडर करना है, स्टेटस के अंदर जाके एक्टिविटी स्टार्ट करवाएंगे, फिनिश तो मतलब वो जब फिनिश होगी, लेकिन दरम्यान में भी कभी आप तो यहाँ पे कौन सा ड्यूरेशन टाइप होगा, आप ये देखें, ये सारी चीजें हम डिटेल में। ये सारा कुछ करने के बाद इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी 5 दिन के अंदर 5 एक्टिविटीज पे काम हुआ तो 5 को मैं अपडेट करूं, तो ऑब्वियसली आप 5 को अपडेट कर लें और फिर एक दफा ही आप शेड्यूल के अंदर जाके जिस दिन तक का डाटा आपके मौजूद है वो डेट यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है और उसको अपडेट कर देना है। द सेम रिजल्ट एक को करके करेंगे तो फिर भी आपने डेट तो वही रखनी है, तो वो एक करके लहदा शेड्यूल कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ओके सर। बस एक सिंपल सा इसमें एक चीज थी सर, रह गई थी। जैसे हम शेड्यूल तो कर लिए, शेड्यूल करने के बाद जो नेक्स्ट डे हमारा था, मतलब अब मैं सपोज आज ले लें 6 अप्रैल तक की डेट में शेड्यूल अपडेट कर रहा हूँ, और जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है नीचे सक्सेसर एक्टिविटी, वो एज पर बेसलाइन 7 को शुरू होनी थी, लेकिन मैं जब शेड्यूल करता हूँ तो उसका एक्चुअल स्टार्ट 6 को हो जाता है शेड्यूल करने के बाद। एक्चुअल तो क्या होता है? 6 हाँ देखिए, वो शिफ्ट करेगा, आपकी एक्टिविटी को आगे शिफ्ट कर देगा। वो आपने क्या करना है, बेसलाइन असाइन करना है। प्रोजेक्ट के अंदर जाके हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि बेसलाइन असाइन करते हैं, वो शो करता है 2 बार, हर एक्टिविटी के 2 बार शो करेगा। मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट करके भी बता देता हूँ, जिन लोगों ने इसको अभी 1-2 हमारे सेशन है उन्होंने अभी ये चीजें पढ़नी है, डोंट वरी। लेकिन जस्ट एज पार्ट ऑफ ये देखिए, ये बेसलाइन को आप एक्टिवेट कर देते हो साइन करने के बाद। सो एवरी एक्टिविटी, ये बार चार्ट बार, ये कहाँ पे, ये प्राइमरी बेसलाइन, ठीक है, ये अब होगी। मैंने ऐसे ही ये देखिए हर एक्टिविटी के अगेंस्ट आ रही है ना नीचे एक और चीज येलो कलर की आ रही है ना, तो जब अपडेट करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल मूव ऑन, क्योंकि हमारी एक प्रोग्रेस चल रही होती है मॉनिटरिंग के अंदर, एक चीज चल रही होती है प्लान के और एक जो एक्चुअल है वो बार्स की जो फ्लक्चुएशन है वो भी शो होगी, यहाँ पे अगर आपने दो तरह के कॉलम डाले हैं, जैसे कि अभी तो मेरे ख्याल वो कॉलम नहीं है, यहाँ पे आप कह लें, एक मिनट, ये बेसलाइन ये प्लानिंग फेज की डेट्स को शो करेगा और ये आपकी जो सिंपल फिनिश और सिंपल स्टार्ट के साथ आपके कॉलम्स होंगे, ये आपकी वो डेट्स शो करेंगे जो एज पर साइट आप डालते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें एज पर साइट जो आप डालेंगे वो यहाँ पे अभी तो सेम ही है क्योंकि अभी हमने अपडेट नहीं किया इसको, लेट्स से, तो ये उस तरह से शो करेंगे। तो ऑब्वियसली आपकी एक एक्टिविटी डिले हुई है, एज पर साइट प्लान चलता नहीं है, आपकी फ्लक्चुएशन लाजमी होती है हर प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो उसको ही हमने मेजर करना होता है प्राइमावेरा P6 टूल में, कितनी डेविएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी अगली प्लानिंग करते हैं। अच्छा, साफ स्टार्ट करनी थी, अब तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उससे पहले जो एक्टिविटी है वो तो 10 को खत्म होगी, तो इसको हमको 11 को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। क्रेन हायर करनी थी, वी कैन स्टैंड बाय कि भाई अभी 2-4 दिन ठहर जाए। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजों को करके फिर एक्टिविटी का भी एक्चुअल बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लान को लेके चलते रहे। अब प्लान आपका इसलिए एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है, इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट का जो CPM है वो स्टैटिक होता है या डायनेमिक होता है। स्टैटिक का मतलब है एक दफा फिक्स कर दिया वही चलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जब आप अपडेट करते हो तो फिर आपका CPM डायनामिक होता है। बहुत सारे ऐसे काम जो शुरू में आपने प्लान किए थे एज पर योर स्ट्रेटजी के ये क्रिटिकल पाथ पे होंगे, लेकिन जब चेंजेस आती हैं तो आपका CPM थोड़ा सा डायनेमिक हो जाता है। आपको एक्चुअली अगर उसकी पिक्चर देखनी है, अगर तो उसी चीज में गुम रहना है जो कि होता है जी बेसलाइन से, वो ठीक है बेसलाइन को हमने फॉलो करना है, बट देयर आर डेविएशंस ऑन द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कुछ मसले आ जाते हैं, रिस्क आ जाते हैं, डिलेज आ जाते हैं। सो इट विल ऑल्सो डिस्प्ले दैट पिक्चर के वो जो एक्टिविटी 7 को स्टार्ट होनी थी अब वो 11 को स्टार्ट हो रही है। सो लेट इट बी टू हैव अ रियल पिक्चर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज, किसी का सवाल हो तो पूछ भी सकते हैं और चैट बॉक्स में आकर लिख भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ये आप मुझे अभी हम एक बेसलाइन बना लेते हैं। ठीक है, आपका कौन सा लेक्चर है? लाइक कौन सा लेक्चर चल रहा है अभी? 3-4 सेशंस ने ज्वाइन किया हो ना क्विज। आपका ये जो लेक्चर है ना, मेरा सेशन 96 था आई थिंक सो। ओके, याद नहीं है। गो ऑन मैंने हम बेसलाइन एक बनाते हैं। तो बेसलाइन को अपडेट भी करते हैं, उसमें वो कब अपडेट करते हैं, लाइक न्यू बेसलाइन को कब बनाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, बेसलाइन क्या होती है? बेसलाइन आपकी अप्रूव्ड, यानी कि जो क्लाइंट आपको अप्रूव कर देता है वो आप लेके चलते हो। ठीक है, वो आपकी प्राइमरी बेसलाइन कहलाती है। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अब क्या हम एक और बेसलाइन बना सकते हैं, क्या यही बेसलाइन? तो जो मेरी पिछली डिस्कशन थी उसमें आ जाते हैं। अब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम एडिशनल भी होते हैं, बहुत सारे रिस्क भी आते हैं जिनको आप डिस्कस करते हो अपने क्लाइंट के साथ। कुछ क्लाइंट की मजबूरियां होती हैं, डिजाइन में चेंज आ गया, नया काम आ गया, तो ये जो काम होता है ये कैसे कंट्रैक्टर करे? कंट्रैक्टर ने एक बिड किया है और एक टाइम के ऊपर हम डिलीवर करेंगे, ये काम करेंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सम चेंजेस विल हैपन फॉर श्योर। क्योंकि यही एक प्लानिंग इंजीनियर की मतलब वो है कि मैनेजमेंट की एप्लीकेशन, अगर कोई मसला होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। सो ये जो स्टेज होती है जहाँ पे कोई एडिशनल वर्क आ जाए, जहाँ पे एक स्टेज आ जाए माइलस्टोन अचीव नहीं हुए, तो फिर मीटिंग्स होती हैं, आप डिस्कस करते हो चीज़ों को, तो उस टाइम पे आपका क्लाइंट अप्रूवल देता है कि अब इन कामों को ऐड किया जाए, या ये डिले इवेंट्स आया था तो मेरी गलती थी, तो अब इसको इस तरीके से आप स्ट्रेटेजिक के लिए आप इसको पोर्ट्रे करें। तो वहां पे आप प्राइमरी P6 के अंदर जाएंगे, प्राइमरी बेसलाइन को नहीं छेड़ना, आप जो नई चीजें आप उसी बेसलाइन के अंदर आप डालेंगे उसको सेकेंडरी बेसलाइन के तौर पे सेव कर लेंगे। ठीक है, वो भी प्राइमरी P6 के अंदर ऑप्शन है। टर्शरी भी है, बेसलाइन टर्शरी भी है, 4-5 जितनी। अब उसका फायदा क्या होता है कि आपको अगर कल को 2 साल का प्रोजेक्ट था, 4 साल का प्रोजेक्ट था, तो ये जितना डाटा होता है हमारे पास, डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसको हम कहते हैं कंटेम्परेनियस रिकॉर्ड्स। प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंटली एक अहम किरदार अदा करती है कि कल को ऐसे ना हो कि वही बेसलाइन आप अपडेट करते जा रहे हैं और जब कल को बात होगी तो सर ये काम कब दिया था वो पता ही नहीं है। तो आपके पास प्राइमरी बेसलाइन, सेकेंडरी, फिर जो अपडेट हो रहा है शेड्यूल, उनको आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। प्राइमरी P6 के अंदर जबरदस्त ऑप्शंस हैं। अभी मैंने जो इसमें बार शो करवाए हैं, जब रियली जाएगा तो ये अपनी अपनी जगह पे आपको शो करेंगे कि कहाँ पे क्या मसला आया था, कौन सी चीज कैसे थी, फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये सेकेंडरी बेसलाइन हमने डेवलप करनी है वो ऐसी स्टेज होगी जहाँ पे कोई एडिशनल वर्क है या कोई सीरियस रिस्क हैपनिंग हो चुकी है क्लाइंट की तरफ से या कोई आपकी तरफ से भी हो सकती है, कोई फोर्स मेजोर भी हो सकता है, यानी कि जो एक्ट ऑफ गॉड होता है जैसे कि रेनी सीजन हो गया, तो इस तरह की चीजों पे भी फिर आपको सेकेंडरी बेसलाइन बनानी पड़ जाती है। लाइक सर मैं वो देख रहा था कि अगर हमारी वेरिएंस जो है वो 5% से शायद ज्यादा हो जाए तो हम एक नई एक्टिविटी प्रोग्राम या बेसलाइन बना देते हैं, इसको लेके हम चलते हैं। डिपेंड करता है, देखिए आपकी एसपीआई अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है वो आप लेक्चर नंबर 13 के अंदर पूरा पढ़ेंगे कि कब कब आप रिवाइज कर सकते हो। उसकी एक ना इंडेक्स होता है एसपीआई, आप जब कैलकुलेट करते हो प्लान्ड वैल्यू और आपकी अर्न वैल्यू, तो उसमें 0.6 जो उसकी वैल्यू होती है वो लोएस्ट रेंज होती है। हर कंपनी का अपना सिस्टम होता है, लेकिन उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है वो 0.6 किस वजह से है। ठीक है, ऑब्वियसली 0.6 पे रिकमेंड किया जाता है दो काम, एक तो रिवाइज कर लिया जाए, रिवाइज करने से पहले क्रैश कर लिया जाए। क्रैश में क्या होता है, कम टाइम, मतलब आपने उसी टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना है, बट विद यानी कि पहले आपने सोचा था कि 6 महीने के अंदर आप 60% काम करेंगे, 6 महीने गुजर के आप 20% कर चुके। ठीक है, मतलब बहुत गैप है। अब अगले जो 6 महीने उसमें आपने बाकी कवर करना है, वो फिर एक्स्ट्रा, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी। तो एसपीआई की जो वैल्यू है 0.6 इज द लोएस्ट। ठीक है, 5% का इतना नहीं होता, 5% तो भाई क्या कर रहे हो, 10-20% भी अगर डिफरेंस है, 15%। हाँ, डिपेंड करता है कि इस तरह का आप न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं आपकी डिवीजन पे डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स पे 20% तक जाते हैं, ऑयल एंड गैस में 10% तक भी एक्सेप्टेबल है, इट डिपेंड्स ऑन द रेंज। और अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के, फिर तो भाई 90% गैप भी हो तो कोई मसला नहीं, फिर तो 99 भी एक्सेप्ट होना चाहिए। हाँ, फिर तो भाई चल जाता है सारा काम। चले तो सर ये आप हमें एक लेक्चर में, हाँ जी पूछे, ये हमें आप एक लेक्चर में काइंडली सिखाइएगा ना कि ये बेसलाइन किस तरह नहीं बनाते हैं और एक्टिविटी प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। बेसलाइन भी हमारी आगे आ रही है, वो सारा कुछ होगा, वन बाय वन हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल? एक्सेल पे जरा एस कर्व ग्राफ बनाना भी सिखा दें। हाँ नहीं, वो शीट आप एक लेक्चर नंबर 6 के अंदर तो ये मैंने शेयर किया हुआ है प्रॉपर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी शेर वजीर। जी जी सर, वाका साहब कैसे हैं सर? ठीक है। अच्छा सर, मेरा सवाल है, बाकी तो मैं सर रिवीजन हूँ, कुछ काम मसरूफियात की वजह से मैं उस तरह आपको के साथ रेगुलर ले नहीं सका। अभी रिवीजन कराओ जो रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, तो सर मैं एक सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज इंचार्ज ऑफ सिविल डिपार्टमेंट। तो सर मेरे साथ इशू ये आ रहा है कि जहाँ तक ये प्राइमवेरा P6 है ना, एक फुल मतलब प्रोजेक्ट होना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब उसी पे आपके फोकस हो, फिर तो साथ ठीक है ना, मतलब उस पे चल जाएगा। लेकिन मेरा जो होता है ना सर, एट अ टाइम जो है ना पैरेलल 5-6 जगहों पे काम चल रहे होते हैं ना साइड पे सर। ठीक है, तो मैं किस तरह इस प्रोग्राम के थ्रू यूटिलाइज कर लूं या किस तरह मैं उसके थ्रू, क्योंकि रिसोर्सेज मेरे साथ इतनी सर होते हैं ना कि मतलब एक प्रोजेक्ट की जब होते हैं, जब दूसरी जगह प्रेशर आ जाते हैं, तो ये रिसोर्सेज जो है ना उठा के ना वहाँ पे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ ना, मतलब ऑपरेशनल वो उस पर इंडस्ट्रियल जो सिस्टम में होता है ना सर, आपको तो माशाल्लाह काफी तजुर्बा है इस लिहाज से ना। जी सर, देखिए आपका इशू ये है कि आपकी कंपनी के जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें 5-6 साइटों पे काम चल रहा होता है, तो कभी किसी प्रोजेक्ट साइट का प्रेशर आ जाता है, कभी किसी का, तो कैसे मैनेज किया जाए, ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब सीन कुछ इस तरीके से, ये जो 5-6 काम है वो क्या एज अ यूनिट हो रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट, या वो अलग-अलग 6 प्रोजेक्ट है? सर होते ही तो सिविल के ही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं ना, मतलब नहीं, वो सिविल के मुतालिक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एक ही प्रोजेक्ट होता है, उसके 6 हिस्से हैं या 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं, 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट मुख्तलिफ होते हैं ना सर, जिस तरह की सीमेंट इंडस्ट्री में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, ऑपरेशन भी आ जाता है। हाँ सर, हर एक डिपार्टमेंट का अपना वर्क ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, तो उसको हम उसी के मुताबिक जो है ना उनका काम शुरू कर लेते हैं ना, तो वो वर्क ऑर्डर तो मैं समझता हूँ जो ये इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे शटडाउन होता है, मेंटेनेंस होती है जहाँ पे, तो यहाँ पे वर्क ऑर्डर जनरेट किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली तो आपने क्या करना, उसकी 6 फाइलें बनानी पड़ेंगी आपको अलग-अलग से। ठीक है, ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट अलग से है तो उसकी अलग-अलग से फाइल बनाएं, उसके स्कोप ऑफ वर्क को बिल्कुल ऐसे प्लान करें और फिर प्राइमवेरा P6 के अंदर एक दफे काम करना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि आपको ऑब्वियसली अगर 6 प्रोजेक्ट्स आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको उनको 6 यूनिक एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के तौर पे प्राइमवेरा में डेवलप करें और फिर उसके मुताबिक करना पड़ेगा। सर आवाज कट रही थी, किस चीज के थ्रू? मैंने कहा 6 की 6 अलग-अलग प्रोजेक्ट फाइलें बनानी पड़ेंगी आपको प्राइमवेरा P6 में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये वर्क भी शेयर कीजिएगा क्योंकि उससे काफी ज्यादा क्लैरिटी आती है कि अच्छा ये काम है, ये काम है, अच्छा वो ना क्लैरिटी आती है। अभी आप जो पूछ रहे हो, मैं साइट पे घूम रहा हूँ, आपने साइट का नाम लिया, 6 साइटें चल रही हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी अच्छा जी ये काम है, ये काम है, अच्छा इसमें मैकेनिकल का भी है, इसमें मेंटेनेंस का, या यहाँ पे दीवार ही बननी है, तो छोटे छोटे कामों को भी मैं आपको फिर देख के बता सकता हूँ कि अच्छा इसको ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं वो भी शेयर कर लूंगा आपके साथ। ओके जी, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट किसी का सवाल? है किसी का सवाल? अच्छा जी, एक पूछा गया सवाल, डज इट मेक इन P6 a summary report, different stages, data analysis report? यस यस, प्राइमवेरा P6 के अंदर रिपोर्टिंग का भी एक प्रॉपर तरीकाकार है और ज्यादातर रिपोर्टिंग प्राइमवेरा P6 से आपके स्प्रेडशीट्स हैं, आपके एसकर्व्स हैं, आपकी PDF फाइल्स हैं। ठीक है, तो वो हमारे इसी कोर्स का हिस्सा है, हम बनाएंगे। जी किसी का सवाल था भाई, मुजम्मिल जी, मुजम्मिल जी। सर ये भी बताइएगा आने वाले लेक्चर्स में कि जो हम अपने कंसल्टेंट को या क्लाइंट को डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट सबमिट कराते हैं, उसमें कौन कौन सा डाटा उनको सबमिट कराना होता है? जो डेली रिपोर्ट होती है जो, हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखें इसमें आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे जाके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसमें आप इस तरीके से समझें कि जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, DPR डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, आपकी फोर्टनाइट होती है, डिपेंड करता है अभी कंपनी में, फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद, और आपकी मंथली होती है। ठीक है, अच्छा इसमें ना मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ कि जो DPR होती है इसके अंदर आपने एक टेम्पलेट होता है एक्सेल का, ये प्राइमवेरा P6 के लिए इनपुट होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, DPR का मैं आपके साथ हमारे बोनस लेक्चर्स के अंदर उसके टेम्पलेट्स के ऊपर भी वर्किंग है कि DPR एक एक्सेल का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपने सारे काम लिख लेने हैं, उनकी आगे क्वांटिटी कितनी एग्जीक्यूट हो रही है, उनका रेट, उनकी रिसोर्सेज जो भी है। ठीक है, ये आपका एक एक्सेल के अंदर टेम्पलेट होता है, इस टेम्पलेट को आपने एक्सेल के अंदर ही उनके साथ शेयर करना है। ठीक है, हाँ सम कंपनीज जहाँ पे डेली बेसिस पे काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये इम्प्लीकेशन होती है कि नहीं भी आपने प्राइमवेरा में करना, तो फिर वो ऑब्वियसली वो एक हेक्टिक, वहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर्स भी बहुत सारे होते हैं, हर डिवीजन का अलग अलग छोटे छोटे वर्क पैकेज, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो 5-5, 6-7 चल रहे हैं और काफी स्कोपा वर्क है, तो उसमें अलग अलग जोन के लिए प्लानर हायर किए जाते हैं। बहरहाल मैं जो एक ओवरऑल बता रहा हूँ, DPR वहां पे भी एक्सेल में ही चलती है और एक्सेल के अंदर ही साइड से डाटा आता है। अच्छा जी रीइंफोर्समेंट थी, इतना स्टील लग गया, इतना कंक्रीट लग गया, इतना पाइप लग गया, ये क्वांटिटी थी, ये रेट था। समझ रहे हो मेरी बात को, फॉलो कर रहे हो ना? तो एक्सेल के अंदर वो टेम्पलेट भी शेयर किए जाएंगे, एक्सेल के अंदर जो होते हैं। ठीक है, उसमें सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, आप एक और इसके अलावा चीज है वो मैं आपके साथ फॉर्मेट भी शेयर करूंगा, बट नॉट एट दिस मोमेंट, क्योंकि पहले ये चीज आप करें। फिर वेटेज बेस एक्सेल फॉर्मेट बनाए जाते हैं। वेटेज क्या होती है मैंने लेक्चर नंबर 6 में आपको समझाया था, लेकिन एक इलैबोरेटिव जो फॉर्मेट होता है जिसमें आपको वाकई समझ आएगी कि पूरे प्रोजेक्ट को वेटेज बेस में कैसे करना है, वो एक सेकंड ऑप्शन होती है। एक्चुअली मैं वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं समझता। अगर प्राइमवेरा में काम कर रहे हैं तो प्राइमवेरा विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा ये एक एक्सेल का टेम्पलेट समझ लें जो डेली बेसिस पे साइड पे कोई भी सुपरवाइजर अपडेट कर रहा है, इसको फिर साइन करके आपको भिजवा रहा है। आप इससे डाटा उठा के अपनी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट के फॉर्मेट बनाए होते हैं, वो भी एक्सेल के अंदर होगा। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट का टेम्पलेट भी इससे नेक्स्ट लेवल होता है, उसमें आपने एक विंडो बनाई होती है वीक बेसिस के ऊपर, यहाँ से 7 दिन का डाटा उठाया, वहां पे अपडेट किया और वो प्राइमवेरा P6 में जाके फिर वीकली बेसिस पे प्राइमवेरा के अंदर आपने चीजें अपडेट करनी है और प्राइमवेरा की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, लुक एट प्लान भी जनरेट कर सकते हैं। फोर्टनाइटली भी ऐसे ही चलेगी, 2 हफ्ते की हो जाएगी, फिर मंथली के अंदर आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस शेयर करनी होती हैं, उसमें आपने डिटेल बतानी होती है इस महीने के अंदर बारिशें हुई, टेम्परेचर कितना था, हर वीक की प्रोग्रेस भी पोर्ट्रे करेंगे, उसमें तस्वीरें भी लगाएंगे साइट की, उसमें आपके सैलिएंट फीचर्स भी होंगे अपने प्रोजेक्ट के, मतलब फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी होगी। जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके अंदर आप क्वांटिटी बेस्ड करेंगे और रिसोर्सेज कितने आज काम कर रहे थे, कितने स्टैंड बाई पे थे, समझ रहे हैं। जो वीकली होगी उसके अंदर फिर आप एक प्रोग्रेस, उस डेली प्रोग्रेस को जो मटेरियल या पैसों की शक्ल में थी या मैन आवर्स की शक्ल में थी, उसको वीकली में आप शो करेंगे परसेंटेज की शक्ल में, समझ रहे हो। और फिर वीकली सारी दो वीकली मिलके फोर्टनाइटली बन जाएगी, वो सेम ही होती है, लेकिन मंथली जो है उसमें फिर आप एक डिस्क्रिप्शन भी देंगे, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होगी। मैं ये सारे फॉर्मेट्स आने वाले लेक्चर्स में जहां जहां पे इनकी बारी आएगी शेयर भी करूँ, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वसीम। हाँ सर, एक छोटी सी इश्यू आता है हर दफ़ा, एक प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं ना, तो मुझे प्राइमवेरा P6 में जो मेरे पास इंस्टॉल है ना, वो कभी कभी मुझे सीक्वेंस सही देता है, कभी कभी सीक्वेंस ना सही नहीं देता, चाहे वो WBS की हो या एक्टिविटी की हो। और एक और चीज़ है, जैसे आपके पास एक प्रोजेक्ट है ना, तो इसमें अगर कोई एक्टिविटी आप भूल गए तो बीच में एडिट करना हो तो वो एडिट भी नहीं हो सकता। ये देखें, ये देखें, ये आपकी एक्टिविटीज ऐसे नजर आ रही हैं, आपकी कोई सीक्वेंस नहीं है। मैं पहले पेंट नहीं करूंगा, ये होता है ऐसे है कि आपके प्रोजेक्ट पे कहीं पे गलती से क्लिक हो जाए ना, तो फिर आपकी सीक्वेंस खराब हो जाती है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। यहीं पे एक्टिविटी आईडी में आके आपने इसको एक दफा क्लिक करना है तो ये अपनी ऑर्डर दोबारा पकड़ लेता है, ये इसका एक गुर है, ठीक है, सिंपल। ये देखें, ये हो गई, खराब हो गई सीक्वेंस। कि मैं यहाँ पे एक्टिविटी आईडी में यहाँ पे आके सिर्फ एक दफा क्लिक करूंगा तो सीक्वेंस दोबारा से अलाइन हो जाएगी। अब दूसरा सवाल यह है कि मैं ये एक्टिविटीज डाल रहा था तो एक्सकवेशन के बाद जो मेरी एक एक्टिविटी थी वो कंपैक्शन थी, मैं भूल गया हूँ। अब एक्टिविटीज के अंदर तरीकाकार इस तरीके से है कि आप WBS का तरीका और है। WBS के अंदर तो सिंपल सा तरीका है कि आपके यहाँ पे शिफ्टिंग एरोज हैं, ठीक है। मोबिलाइजेशन फेज को आप नीचे लेके आना चाहते हैं तो ये देखें एरो नजर आ रहे हैं, ठीक है, नजर आ रही प्राइमवेरा P6 की विंडो। बिल्कुल इसको नीचे कर लें, ठीक है, ये प्रोक्योरमेंट फेज के नीचे आ गया ये एरोज। एक्टिविटीज में ऐसा नहीं है। एक्टिविटीज में आपने एक तो बड़ा केयर करना है, पहले एक्सेल के अंदर अपनी एक्टिविटीज नोट कर लें, फिर प्राइमवेरा में लेके आए पहली चीज, तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, एक्सेल के अंदर आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर मसला आता है, मुझे एक एक्टिविटी डालनी है एक्सकवेशन और स्टोन रोलिंग के दरमियान, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा बट प्राइमवेरा मुझे अलाउ नहीं करेगा, तो लेट्स से XYZ एनी एक्टिविटी, ठीक है, ओके। अब मुझे प्राइमवेरा का एक एल्गोरिदम समझना है, वो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अगर मेरी आईडी का नंबर इन दोनों के दरमियान होगा, ये क्या है 1200, ये 1210, इफ आई विल पुट हियर थिंग्स लाइक, ये दरमियान में आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो नहीं लिख सकता, 10 इज ऑलरेडी देयर, सो वो उठा के देखें ऊपर ले गया। सो वी हैव 9 एक्टिविटीज फैसिलिटी। ये समझें, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसको अगर हम चाहें तो बाद में इन एक्टिविटीज को रीनेम कर सकते हैं ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक होता है ना माइंडसेट की खूबसूरती से मैं अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकूं, किसी को सीक्वेंस भी दिखे तो बड़ी प्यारी सी दिखे, साथ साथ चलती नहीं। हाँ वो भी कर सकते हो, वो सिंपल ऐसे है, वो यहाँ पे ये देखें सिंपल, ये तो चीज मैंने बताई हुई है शायद, ये देखें ये सिंपल सारी एक्टिविटीज को आपने शिफ्ट का बटन दबाया, आपने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ऐसे नहीं करें कि सीक्वेंस से प्यारी सी लगे, वो जो है कीप इट एज इट इज। लेकिन अगेन अगर आपको जरूरत है, ये आ जाए, राइट क्लिक करें, री नंबर्ड एक्टिविटी आईडी, तो री नंबर्ड में जाके यहाँ पे आप जितना डिफरेंस रखना चाहते हैं, 10 का डिफरेंस ठीक है, ऑटो नंबर आप अपनी मर्जी से अपने प्रोजेक्ट का नाम PRF, और यहाँ पे कहते हो नहीं 100 होना चाहिए, और फिर आप कहते हो 10 का डिफरेंस ठीक है, ओके। देखें सिंपल आ गई भाई, सही सही सही। और सर सिमिलरली जो WBS है उसमें भी अभी आपने जो प्रोजेक्ट खोला हुआ था उसकी भी सीक्वेंस बिल्कुल चेंज हुई हुई थी ना, 8.1 नीचे है, 8.1 मैनुअल तरीके से करनी है। एक मिनट मुझे इसको चेक करने दो, मेरा प्रोजेक्ट रियल है, एक मिनट एक मिनट ए, ये देखें अब दोबारा हो गया, वो दोबारा से वो नो कर दिया, बहरहाल मैं कर लेता हूँ बाद में। तो ये इस तरीके से ये चीजें चल सकती हैं, ठीक है। सही। और सर अभी WBS जो आपने ओपन किया था अपना, इसके अंदर भी ऐसा इशू था, तो उसमें भी मतलब कि अगर कोई ऐड करते हैं तो इजीली ऐड हो जाता है, लेकिन उसको ना बार बार रीटाइप करना पड़ता है। और 1.11 नहीं, आपने क्यों करना, प्राइमेवरा खुद ही कर रहा। नहीं, ऐसे नहीं करे ना आप, उससे बेहतर है कि एक सीक्वेंस के अंदर चीजें लिखें, अगर कोई ऊपर नीचे होती है तो उसको दोबारा कॉपी पेस्ट यहाँ से करें, ठीक है। यहाँ से आप ये देखें ना सर 8.9.4 8.9, तो आप मैंने देखें इसको ऊपर ले जाएं, ये मेरा अब आपने डिस्क्रिप्शन की सीक्वेंस रखी हुई है। ये देखें ये हो गया सेट, लैंड एक्विजिशन, मटेरियल सप्लाई, फिर आगे हो गया सीक्वेंस। ये मैनुअल तरीके से कर ले, ठीक है। सर देखें वो बात ठीक है, लेकिन अगर आपका वो ये सीक्वेंस सेट नहीं होती, यहाँ पे मुझे लैंड एक्विजिशन चाहिए तो आप नेम चेंज कर लेना उसका। ये देखिए वेदर, फिर उसके अंडर जो एक्टिविटीज हैं वो भी शिफ्ट करनी पड़ेंगी। ओ भाई नहीं होगी, क्या हो गया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिविटी सेम रहेंगी। सही सही, समझ क्यों नहीं रहे, ये ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज भी ऊपर नीचे हो जाएंगी, ठीक है। आप करके एक दफा देखेंगे खुद से ना, तो अभी सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी आया होगा भी कि नहीं, खुद करेंगे तो यकीन आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार ये मैं भी कर सकता हूँ, ये हो जाएगा। कई जुगाड़ होते हैं, शायद कोई ऐसी चीज आप निकालें जो आउट ऑफ बॉक्स हो, ठीक है ना। ओके सर, अच्छा जी, 2 क्वेश्चन आए हैं और। सर हाउ डिड वर्क बिफोर व्हेन देयर वाज नो पीसी, हाउ डिड वर्क बिफोर, बहुत बहुत हेक्टिक। मुजाहिद रसूल का क्वेश्चन है जी कि प्राइमेवरा नहीं था तो एक्सेल में होता था, एक्सेल में एक्चुअली बहुत हेक्टिक था, इंटीग्रेटेड फार्मूलाज और फिर काफी हेडेक। लाइक एक्सेल एक एडवांस कैलकुलेटर है, बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पे काम कर सकते हो। सेकंड स्टेप जो आपकी विजुअलाइजेशन होती है, डाटा प्रोसेसिंग होती है, उसमें हर इंडस्ट्री का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। प्राइमरी पीस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल है, सो इट हैज मेड आवर लाइफ वेरी इजी। EPC engineer is actually project engineer, is a planning engineer, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। EPC engineer project होते हैं EPC, ठीक है, EPC engineer नहीं होते। engineering, procurement, construction, हाँ planning engineer को इसलिए कह सकते हो, तीनों departments को आपस में integrate करके planning schedule, ठीक है, not a different thing, ठीक है जी। आप लोगों के साथ फिर मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आई होप आपको काफी फायदा हुआ होगा, ठीक है जी, थैंक यू। जी जी वालेकुम सलाम। सर मुझे इशू आ रहा है, ये जो ड्यूरेशन है और टाइम है सर, ये मुझे जीरो शो हो रहा है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, मैं फिर ही दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, व्हाट्सएप में शेयर कर दें, ठीक, ओके।